देख सकते हैं भाई लोग मछली बट रहा है और सब लोग अपने अपने बर्तन मछली लेने के लिए आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज का बीज है जो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक न्यू संडे ब्लॉग में। तो आज है संडे, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले संडे वाला ब्लॉग देखे होंगे, उसमें जो हमने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़्यादा गंदा था, जिनको हम लोग साफ़ करने वाले थे, तो फाइनली दरवाज़ा को साफ़ कर लिए हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इस संडे भी ये अंकल लोग आए हैं मछली पकड़ने के लिए, तो आज भी ये अंकल लोग मछली पकड़ेंगे, तो देख सकते हैं। चलिए अपना दरवाज़ा दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं, पिछले संडे मैंने आपको दिखाया था कि कितना ये गंदा था, पूरा जंगल लगा हुआ था, तो आप देख सकते हैं पूरा साफ़ किए हैं और इसमें क्यारी बनाए हैं। तो इसमें हम जो है इसमें प्याज लगाएंगे, देख सकते हैं, जिसे आप लोग किचन गार्डन से जानते होंगे, जिसे आंगन दरवाजे अगल बगल में जो कुछ सब्जियां लगाया जाता है, वही हम लोग जो करेंगे, इसमें प्याज लगाएंगे आज हम खुद से। देख सकते हैं पूरा साफ किए हैं, पूरा इसमें जंगल था आप लोग देखे होंगे। और यहाँ देखिए ये क्यारी बनाए हैं और इस साइड आप देख सकते हैं ये रोज़ का जो पौधा हम आप लोगों को दिखाए थे वो भी है। इधर आप देख सकते हैं ये रोज़ का पौधा है और ये परवल का जो है, परवल का लत्ती है। इस साइड ये गोबर का गोठा बना के रखा गया है और ये देखिए क्यारी बनाए हैं। तो इसमें जो है अब हम प्याज लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें पानी डालते हैं। आप देखिए मोटर लगा दिए हैं, मोटर से इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए पाइप जो है दिए हुए हैं, इसमें मोटर से अब पानी डालेंगे फिर प्याज लगाएंगे। तो चलिए पहले मोटर का स्विच देते हैं, फिर जो है इसमें पहले पानी डालेंगे, फिर जो है यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का जो है बीज रखा हुआ है। यहाँ आप ये देखिए प्याज का छोटा छोटा बीज रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं प्याज का बीज है। जो लोग गांव से होंगे सो जानते होंगे, बाकी जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं यही इसी में जो है, इसी को जो है रोपा जाता है, फिर इसी में जो है प्याज आता है। आप ये देख सकते हैं ये छोटा छोटा लगभग 2 kg बीज है ये। और चलिए सबसे पहले मोटर का स्विच देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच है। तो ये मेरा आंगन है, आप देख सकते हैं ये आंगन है और यहाँ पे प्याज है। यहाँ पे पानी देंगे पूरा, फिर प्याज लगाएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम ये बीज जो है प्याज का जो है ये बीज जो है रोप रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि फर्स्ट बार रोप रहे हैं। और देख सकते हैं ये आंटी और मम्मी लोग भी रोप रही है, इनके साथ में हम भी रोप रहे हैं फर्स्ट बार, तो मुझे उतना अच्छा से नहीं आ रहा है रोपने के लिए। तो ये जो है चाची हमको बताई कैसे रोपा जाता है, फिर भी जो है हमको अच्छा से नहीं हो रहा है रोपने के लिए। देख सकते हैं अब देखिए ये नज़दीक से ये बीज है और इसे हम ऐसे करके लेते हैं और ऐसे करके लगभग 4 से 5 उंगली की दूरी पे इसे रोकते हैं। और उधर देखिए मुख दर्शक सबको ये सब मुख दर्शक है। अब इधर दिखाओ, देख सकते हैं इधर भी जो है इधर हो कंप्लीट हो गया है और इतना बाकी है, उसमें जो है अभी नहीं होगा क्योंकि जो बीज जो है कम पड़ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं रोपने के बाद। देख सकते हैं भाई लोग मछली बट रहा है और सब लोग अपने अपने बर्तन मछली लेने के लिए आ गए हैं। वैसे हम तो मछली नहीं खाते हैं, फिर भी हम भी आए हैं मछली लेने के लिए। आज सुमन चचा भी देखिए आ गया है। आप कुछ बोलिए, कितना मछली लेना है भाई साहब? अरे भाई साहब कितना लेना है? 5 सिंगी 5 मूड़ी लगा दे, बताइए। मछली है ब्लॉग देखे बनबे छिया
कौन माछ लेबे लेना हम बुझे नहीं छियै ते हम खाय नहीं छियै हमरा बढ़िया बढ़िया चुन के दा जैसे जे लोग के दिए वो लोग कहे के हाँ मछली सब रहे टॉप क्लास के हमरा तो लगा दा कि मेहमान लोग के दिला और दे गेल कौन सिंह धान है चुटके दिला आधा किलो ना चार पाँच गोड़ा छे और वो सब मछली दादा नहीं छे तसे बिया कथि ल मिला मिला के दादा कबैयो दादी छोड़ छोड़ दी इका फेंक लगा दो इका नेगरा हमरा डेढ़ किलो से बेसी दियो सो आप ये देख सकते हैं ये फाइनली मछली लेके आ चुके हैं। इसमें ये कबई है और इसमें जो है सिंघी और कौन सी सिंघी सिंघी और मुंगरी है। और इधर आप देख सकते हैं इसमें प्याज जो है लग चुका है, प्याज रोपाई हो चुका है। और यहाँ पे देखिए इसमें अमरूद है, कितना प्यारा सा अमरूद है। आइए आप लोग खाने के लिए अमरूद। सो देख सकते हैं कितना प्यारा सा अमरूद है। सो आज का जो ब्लॉग था वो संडे ब्लॉग था और अभी जो है धीरे धीरे ठंड जो है कम हो रहा है तो अब जो है आप लोगों को बहुत जल्द जो है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी साथ में देखने को मिलेगा। अब हम लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग भी बहुत जल्द जो है रेगुलर कंटिन्यू बनाएंगे। सो आज का ये संडे ब्लॉग था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो ये ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टा भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम अच्छे अच्छे रील्स लेके आते रहते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।